हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 10th साइंस चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल्स के कुछ इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आपके आ चुके हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई कैल्शियम मेटल आफ्टर रिएक्टिंग विद वाटर स्टार्ट फ्लोटिंग। तो ये एक्सप्लेन करना है कि जो कैल्शियम मेटल है ये वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद ही उसमें तैरना स्टार्ट क्यों कर देता है, फ्लोटिंग करना क्यों स्टार्ट कर देता है। ऑन इट सरफेस, वाटर की सरफेस पे फ्लोटिंग करना स्टार्ट क्यों कर देता है। राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, और इसकी आपको केमिकल रिएक्शन भी लिखनी है। ठीक है, तो इसकी जो रिएक्शन है वो क्या है, ये आपकी हो जाएगी Ca+H2O। कैल्शियम किसके साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, और क्या बना लेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी और साथ में क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो ये तो है इसकी केमिकल रिएक्शन। और इसमें आप कारण क्या लिखोगे, तो इसमें आप कारण लिखोगे, एज इन दिस रिएक्शन व्हेन CA रिएक्ट विद वाटर एंड रिलीज H2O गैस दैट स्टिक ऑन द सरफेस ऑफ कैल्शियम मेटल। तो क्या है, जो हाइड्रोजन गैस निकली है, ठीक है, तो ये किस पे, ये इस पे क्या हो जाएगी, इसके सरफेस पे क्या हो जाएगी, स्टिक हो जाएगी, चिपक जाएगी। ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इसके जो बबल्स होंगे गैस के बबल्स, इस तरह से चिपक जाएंगे मेटल प्लेट पे, और फिर ये इसको खींच के ऊपर वाटर की सरफेस पे लेके आ जाएंगे। ठीक है, और फिर ये इसमें क्या हो जाएगा, फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि जो वाटर के बबल्स है यानी कि जो हाइड्रोजन गैस है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, लाइट है, और जब ये चारों तरफा मेटल के चारों तरफा स्टिक हो गई है, चिपक गई है, तो ये मेटल को भी क्या बना देगी, लाइट बना देगी, लाइट यानी कि हल्का बना देगी, और हल्का होने की वजह से क्या हो जाएगा, वाटर की सरफेस पे फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा। तो आप इसमें क्या लिखोगे, एज इन दिस रिएक्शन व्हेन ये रिएक्ट विद वाटर एंड रिलीज H2 गैस दैट स्टिक टू द सरफेस ऑफ CA मेटल, एज हाइड्रोजन वेरी लाइट गैस एंड आफ्टर स्टिकिंग विद कैल्शियम मेक कैल्शियम लाइटर। जब ये कैल्शियम के साथ चिपक जाएगी तो इसको भी क्या बना देगी, उसको भी, कैल्शियम को भी लाइट हल्का बना देगी, सो कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो आप इसमें रीजन लिख सकते हो, लिख देना। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, वाई डो आयोनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट एंड नॉट इन सॉलिड स्टेट। तो कह रहे, जो हमारे आयनिक कंपाउंड है सॉलिड मोल्टन स्टेट में तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट में नहीं करते। तो इसमें क्या कारण है, बिकॉज इन सॉलिड स्टेट देर इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन। तो क्योंकि क्या है, सॉलिड स्टेट में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन है बिटवीन आयन्स वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, तो देर इज नो फ्री आयन्स, तो वहाँ पे क्या नहीं होगी, कोई भी फ्री आयन्स नहीं होगी यानी। ठीक है, और वाइल इन केस ऑफ मोल्टन स्टेट आयन्स कंपाउंड ब्रेक डाउन इंटू आयन, जब इसको हम मोल्टन स्टेट में चला जाएगा तो जो आयन्स है ये आपके जो आयनिक कंपाउंड है ये आयन्स में टूट जाएगा, और आयन्स में टूट जाएगा तो जो आयन्स है ये क्या हो जाएगी, फ्री टू मूव हो जाएगी। तो आयन्स के मूवमेंट की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, क्योंकि सॉलिड स्टेट में आयन्स फ्री आयन्स नहीं है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, लेकिन मोल्टन स्टेट में क्या आ जाते हैं, आपके फ्री आयन्स हो जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज आयन्स आर फ्री टू मूव, क्योंकि आयन्स क्या है वहाँ पे, फ्री टू मूव है उनके। अब है क्वेश्चन नंबर 3, आर लेक्चरर्स कलर्ड नॉन मेटल। तो आपको एक नॉन मेटल का नाम बताना है जो लेक्चरस है, लेक्चरस यानी कि साइनिंग है, कलर्ड है नॉन मेटल, तो इसमें क्या आ जाएगा, आयोडीन, तो वो होता है हमारा आयोडीन नॉन मेटल। अ मेटल विच इज मेल्ट वैन कैप्ट ऑन पाल्म, उस मेटल का आपको नाम बताना है जो आप अपनी हथेली पे रखते ही वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, तो वो क्या है, गैलियम। ठीक है, अ मेटल विच इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, उस मेटल का नाम बताना है आपको जो क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, लेड। तो पहले वाले में आयोडीन, सेकंड वाले में गैलियम, और सी वाले में लेड। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट हैपन टू पोटेशियम एंड सोडियम इफ दे आर कैप्ट इन ओपन। कह रहे क्या होगा अगर हम पोटेशियम और सोडियम को ओपन रख दें, खोल के रख दें, व्हाई आर दे इमर्स इन कैरोसिन ऑयल, और उनको हम कैरोसिन ऑयल में क्यों इमर्स
डुबा के रखते हैं। तो आपको एक कारण बताना है और इसका कारण आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। पेज नंबर है ये आपका 42, ठीक है। जैसे मेटल सच एज पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट सो विगरसली, तो मेटल जैसे कि पोटेशियम और सोडियम हमारे बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। दे कैच फायर इफ कैप्ट को ओपन, अगर हम इसको हम ओपन में रखेंगे तो ये कैच कर लेंगे फायर, एकदम से इनमें आग को पकड़ लेंगे, यानी कि आग लग जाएगी। हैंड टू प्रोटेक्ट दैम एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर, तो इसलिए इससे बचाने के लिए, फायर से बचाने के लिए और प्रिवेंट मतलब एक्सीडेंटल फायर से बचने के लिए दे आर कैप्ट कैरोसिन ऑयल, तो इसलिए हम इसको रखते हैं किसमें, कैरोसिन ऑयल के अंदर। तो ये आपका आ जाएगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5, रिवर्स ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। ये कह रहे हैं जो हमारे पास ये जिंक प्लस कॉपर सल्फेट ZnHO4 जिंक सल्फेट प्लस Cu, तो अगर हम इसको रिवर्स कर दें, अगर आप इसको रिवर्स करोगे तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि जो जिंक है हमारा वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अगर कोई मेटल, ठीक है, जैसे इसका सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, अगर इससे ज़्यादा कोई रिएक्टिव आ गया तो इसको डिस्प्लेस कर देगा इसकी पोजीशन से, क्योंकि जिंक क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है तो इसको डिस्प्लेस कर पा रहा है, इसलिए इसे क्या बना रहा है, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। अगर हम क्या करेंगे, कॉपर प्लस जिंक सल्फेट सॉल्यूशन को करेंगे तो कॉपर जो होता है ये जिंक को इसके सॉल्यूशन से नहीं हटा पाएगा, क्योंकि ये इससे कम रिएक्टिव है, ठीक है। तो हमें क्या लाना पड़ेगा, जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव लाना पड़ेगा तब ये इससे निकल सकता है। तो कॉपर क्या है, इससे कम रिएक्टिव है, इसलिए इसको हम, इसलिए ये इसकी रिवर्स जो रिएक्शन है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आप इसमें ये लिखोगे, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो कॉपर कैन नॉट रिप्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, ऑफ द थ्री मेटल एक्स एंड वाई, एक्स वाई एंड जेड, एक्स रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, एक्स रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ, वाई रिएक्ट करता है हॉट वाटर के साथ और जेड रिएक्ट करता है स्टीम के साथ। आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई जेड एंड ऑल्सो अरेंज दैम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी। इसको हमें किस में रखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लगाना है रिएक्टिविटी के, ठीक है। तो इसका आंसर आपको मिलेगा एनसीईआरटी में ही है इसका आंसर भी, ये है आपका आंसर, ठीक है। क्या है, मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वॉयलेंटली विद कोल्ड वाटर। तो मेरे आंसर क्या है, पोटेशियम और सोडियम, और ये कौन से मेटल होते हैं, एल्कली मेटल, तो एक्स क्या हो जाएगा, एल्कली मेटल, ठीक है। अब इसमें ये रहा, मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, इट रिएक्ट विद हॉट वाटर। तो मैग्नीशियम हमारा किसके साथ रिएक्ट करता है, हॉट वाटर के साथ, तो मैग्नीशियम, ठीक है। और कैल्शियम ये क्या हो गए हमारे, एल्कलाइन अर्थ मेटल, तो वाई क्या हो जाएंगे, एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। और जेड है हमारा क्या, मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट इधर विद कोल्ड वाटर हॉट वाटर बट दे रिएक्ट विद स्टीम। तो ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं, स्टीम के, तो इसमें क्या आ जाएगा, एल्यूमिनियम आयरन एंड जिंक। और रिएक्टिविटी ऑर्डर भी इसी तरह से हो जाएगा, ठीक है। सोडियम हमारा ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फिर उससे कम मैग्नीशियम, फिर उससे कम आयरन, ठीक है। तो इसमें आप कैसे लिखोगे, रिएक्टिविटी ऑर्डर तो यही हो जाएगा आपका, इसमें NaMg और ये हो जाएगा Fe, और जो आप इससे पहले लिखोगे, ठीक है, वो आप बुक में से जो भी अभी बोल रही है लाइन है वो लिख देना, ठीक है। वाटर एलॉयज नेम टू मेटल विच आर फाउंड इन नेचर इन द फ्री स्टेट। हमें बताना है एलॉयज क्या होते हैं, और सेकंड वाले में बताना है दो मेटल जो फ्री स्टेट में मिलते हैं हमें। तो एलॉय की डेफिनेशन तो आपको एनसीईआरटी में से ही लिखनी है, पेज नंबर 54 पे। एंड एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। तो होमोजीनियस क्या है, मिक्सचर है दो एलिमेंट का, वो मेटल भी हो सकते हैं और नॉन मेटल भी हो सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है फिर, सेकंड आपको बताने हैं दो मेटल जो क्या होते हैं, फ्री स्टेट में, यानी कि बिल्कुल फ्री स्टेट में मिलते हैं हमें, जो दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते, ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते, कैसे होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं। तो होता है हमारा गोल्ड और सिल्वर, ठीक है, गोल्ड और प्लैटिनम, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज अगर आप पढ़ोगे तो सबसे कम रिएक्टिव यही होता है, तो इसलिए हमें मिलते हैं फ्री स्टेट में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, क्या है, एन एलिमेंट फॉर्म एन ऑक्साइड A2O3। एक एलिमेंट है जो ऑक्साइड बनाता है हमारा इस वाले फॉर्मूले में, विच इज़ एसिडिक इन नेचर, जो क्या है, एसिडिक इन नेचर है।
तो ऑक्साइड एसिडिक किसके होते हैं? नॉन मेटल्स के ऑक्साइड हमारे एसिडिक होते हैं, और मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं हमारे बेसिक इन कैरेक्टर, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, एसिडिक है जो ये ऑक्साइड है, क्या है, एसिडिक है। तो कह रहे हैं आइडेंटिफाई एज अ मेटल और अ नॉन मेटल, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये मेटल है या फिर नॉन मेटल है। तो ए क्या है यहाँ पे, नॉन मेटल है, क्योंकि नॉन मेटल के ऑक्साइड हमारे एसिडिक इन कैरेक्टर होते हैं, तो ये एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है। एसिडिक इन नेचर होता है नॉन मेटल के ऑक्साइड, और मेटल के ऑक्साइड होते हैं बेसिक इन नेचर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉन मेटल। सेकंड, नॉन मेटल डू नॉट डिस्प्लेज हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्टेड विद एसिड वाटर, एक्सप्लेन। तो कह रहे हैं जब नॉन मेटल क्या हाइड्रोजन को डिस्प्लेज नहीं कर पाता है जब ये एसिड और वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाए क्या हो जाएगा, बिकॉज अनलाइक मेटल नॉन मेटल डू नॉट हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन बट टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो जैसे कि मेटल के पास होती है टेंडेंसी क्या करने की, टू लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन जो हमारे नॉन मेटल है इनके पास ये टेंडेंसी नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन को लूज करें, ठीक है। इनके पास क्या टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रॉन को गेन करें, इनके पास लेने की पावर है ना कि इनको लूज करने की पावर, यानी कि इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकते, ये ले सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये क्या नहीं कहते, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 9, इन नेचर एल्यूमिनियम इज फाउंड इन कंबाइंड स्टेट वेयर एज सिल्वर गोल्ड आर फाउंड इन फ्री स्टेट, क्यों रीजन। तो कह रहे जो एल्यूमिनियम है ये तो हमें कंबाइंड स्टेट में मिलता है, लेकिन जो सिल्वर और गोल्ड है ये हमें मिलता है फ्री स्टेट में, तो रीज़न बताना है। तो रीज़न क्या है, एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव सो एग्जिस्ट इन कंबाइंड स्टेट, वेयर एज जो गोल्ड और सिल्वर है दे आर लीस्ट रिएक्टिव सो दे एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, ठीक है। क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं इसलिए फ्री स्टेट में मिलेंगे, और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, दूसरों के साथ आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये किस में मिलेगा, हमें कंबाइंड स्टेट में, और ये मिलेंगे नहीं किसी के साथ, तो हमें मिलेंगे फ्री स्टेट में, अकेले मिलेंगे बिल्कुल प्योर, ठीक है। अब वे गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग, प्लेटिनम गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी। तो कह रहे हैं रीज़न देना आपको, जो प्लेटिनम है गोल्ड है तो इनको हम ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ क्यों करते हैं, तो क्या है इसमें, एक तो शाइनिंग होती है, सेकेंड ये मेलेबल है, टक्टाइल है, एक्सरस है, तो बिकॉज इट इज मेलेबल डक्टाइल लक्चरस, तो ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी दे आर यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी। एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव, तो प्रोनाउंसिएशन के लिए सॉरी, ठीक है, इज हाईली रिएक्टिव मेटल बट स्टिल यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, ठीक है, यूटेंसिल्स। तो कह रहे हैं जो एल्यूमिनियम है बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है, लेकिन फिर भी हम इसको खाने के जो बर्तन होते हैं उनको बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तो क्या कारण है। तो इसको हम इसलिए यूज़ करते हैं, जो एल्यूमिनियम है ये क्या करता है, अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, ठीक है। ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, एनवायरनमेंट के साथ रिएक्ट करने के बाद एक अपने ऊपर एक परत सी चढ़ जाती है, इसके ऊपर होती है प्रोटेक्टिव लेयर। तो ये प्रोटेक्टिव लेयर क्या करती है, फिर उसके बाद उसके ऊपर ये रिएक्शन होने नहीं देती, तो रिएक्शन क्या हो जाती है, रुक जाती है, तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। एल्यूमिनियम इज ए गुड कंडक्टर, और सेकेंड कारण क्या है कि ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है। बिकॉज एल्यूमिनियम इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड एल्यूमिनियम फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर ओवर इट, तो अपने ऊपर क्या बना लेता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, एंड फर्दर एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट, तो उसके बाद जो एल्यूमिनियम है रिएक्टिव नहीं बचता, ये अनरिएक्टिव हो जाता है, जब इसके पास लेयर बन जाती है तो फिर ये क्या हो जाता है, अनरिएक्टिव, ठीक है। तो आई होप आप सबके क्वेश्चन समझ में आए होंगे, अगर आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो प्लीज़, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।